भी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने शुरू कर दिए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस पार्टी को मिली 17 सीटों में से सिर्फ 13 सीटों पर ही प्रत्याशी मिल पाए। बाकी यूपी की 4 सीटों पर कांग्रेस असमंजस की स्थिति में फंसी हुई है। वो सीटें हैं अमेठी, रायबरेली, मथुरा और प्रयागराज, जिसको लेकर बराबर प्रत्याशियों पर कांग्रेस मंथन कर रही है, पर किसी एक नाम पर मुहर नहीं लग पा रही। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से गुजरकर जाता है, इसलिए कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। वैसे भी कांग्रेस के पास यूपी में मात्र एक सीट रायबरेली की ही बची थी, लेकिन वो सीट भी सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के साथ खाली हो गई। बाकी अमेठी सीट तो कांग्रेस के हाथ से 2019 में ही निकल गई थी और ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई है। फिलहाल स्मृति ईरानी यहाँ से मौजूदा सांसद हैं। बात करें मथुरा सीट की तो वहाँ से बीजेपी से हेमा मालिनी सांसद हैं। पर कांग्रेस की रेस में इन दिनों बॉक्सर विजेंदर सिंह का नाम आगे चल रहा है। ऐसा ही कुछ प्रयागराज में भी है। यूपी कांग्रेस अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने की मांग कर रही है। पर जो भी हो, कांग्रेस को जल्द प्रत्याशियों का चयन करना होगा, नहीं तो आगे चलकर नुकसान देखने को मिल सकता है। वैसे भी समय महीने भर से भी कम का बचा हुआ है।